मॉर्निंग क्लास 5th. बेटा कल हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ द जर्नी ऑफ फूड, है ना. इसमें हमने बताया था आपको कि हम पढ़ेंगे फूड की जर्नी के बारे में, कि खाना हम तक किस किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचता है. तो इसमें हम पढ़ रहे थे वेरियस स्टेजेस इन फार्मिंग, और हमने पढ़ा था अबाउट द प्रिपेयरिंग सॉइल एंड सोइंग सीड्स. आज हम पढ़ेंगे अबाउट वीडिंग. वीडिंग क्या होता है बेटा? फर्स्टली हमें जानना ज़रूरी है कि वीड्स क्या होते हैं, है ना. तो वीड्स बेटा आपका होता है, वीड्स का मतलब होता है एनी अनवांटेड प्लांट, ठीक है. वीड्स हम बोलते हैं कोई भी अनवांटेड प्लांट जो हमारे फील्ड में हो, ठीक है, जो अनरिक्वायर्ड हो, कोई अनवांटेड प्लांट जो हमारे फील्ड में जिसकी ज़रूरत नहीं है. लाइक हमने किसी भी चीज़ की खेती करी है, उसमें कोई एक्स्ट्रा प्लांट निकल आया, तो वो हम उसको हम बोलते हैं वीड. अब उससे क्या प्रॉब्लम होती है, व्हाई वी हैव टू रिमूव दैट प्लांट, हमें उसको अपने फील्ड से निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उससे, तो ये हम पढ़ेंगे. ओके, देयर आर मेनी अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द मेन क्रॉप. दीज अनवांटेड प्लांट्स आर नोन एज वीड्स, ठीक है. तो वीड्स किसको बोलेंगे? द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड, हमारे फील्ड में जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हम बोलते हैं वीड्स, ठीक है. Weeds also have to be removed so that do not choke the plant and take up all the nutrients in the soil. तो बेटा हमें वीड को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप सोचो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि आपके घर में पहले दो लोग थे, ठीक है. उन दो लोगों को 8 चपातीज मिलती थी, है ना. आपकी मम्मा ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी लोग बढ़ जाएँ, हम 8 ही चपातीज रखेंगे. अब मान लो कि कल आपके घर में एक इंसान बढ़ गया, तो टोटल हो गए 3. अब वो 8 चपातीज जो थी वो 3 लोगों में बट गई. कल एक और इंसान आ गया बेटा, तो क्या होगा? जो चपातीज़ हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, तो आपको चपातीज़, आपकी जो नंबर ऑफ़ चपातीज़ है वो कम हो जाएंगी. तो उससे क्या होगा बेटा? यू विल फील वीक, आपको कम खाना मिलेगा, आपको जितना खाना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो आप वीक फील करना शुरू करोगे, है ना. आप प्रॉपर तरीके से बढ़ नहीं पाओगे, है ना, ग्रो नहीं कर सकोगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. तो बेटा सेम होता है आपका प्लांट्स के साथ. अगर इफ़ देयर इज़ एनी प्लांट ग्रोइंग नियर एनी अदर प्लांट, तो वो उसके साथ न्यूट्रिएंट्स शेयर करेगा, है ना. जैसे कोई यहाँ पे एक प्लांट है, और ये कोई एक प्लांट है यहाँ पे, और ये इसके आसपास जो सॉइल है इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ये प्लांट अकेला ले रहा है. बट मान लो यहाँ पे कोई दूसरा प्लांट आ गया, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो दोनों प्लांट्स में शेयर हो जाएंगे, ठीक है. तो शेयरिंग से क्या होगा बेटा? हमारा जो प्लांट था, जो डिज़ायरेबल प्लांट था, उसको न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, और हमें अच्छे क्रॉप नहीं मिलेगा, ठीक है. तो दैट इज़ वाई वी नीड टू रिमूव दैट अनवांटेड प्लांट्स. इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उस अनवांटेड प्लांट को वहाँ से रिमूव कर दें, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग, ठीक है. तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. इसी प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं. अंडरस्टूड? देखो, नाउ Pesticides and insecticides are also used to protect the growing crops from pests and insects which can harm them. ठीक है बेटा. तो हम अपने जो भी क्रॉप्स है उसको पेस्ट से, कीड़े मकौड़ों से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं. पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं बेटा, वो कीड़े मकौड़े होते हैं, उनको मारने का काम करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इरीगेशन. बेटा इरीगेशन का क्या मतलब है? इरीगेशन प्रोसेस होता है वाटरिंग प्लांट्स, प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट्स, प्लांट्स को वाटर देना, उसको बोलते हैं हम इरीगेशन. तो बेटा आपको पता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आपने पढ़ा होगा ना अबाउट फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए? वाटर चाहिए, है ना. फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, यस, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और सनलाइट चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें चाहिए. तो बेटा वाटर तो बहुत ही ज़रूरी है प्लांट्स के लिए. वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट्स इन द फील्ड इज नोन एज इरीगेशन. तो प्लांट्स को वाटर करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इरीगेशन. द सॉइल हैज़ टू वाटर्ड और इरीगेटेड प्रॉपरली डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप बींग ग्रोन. बेटा अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, उनकी अलग अलग वाटर नीड्स होती हैं. अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग अमाउंट में उनको वाटर की ज़रूरत होती है. किसी किसी क्रॉप को ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, किसी किसी क्रॉप को कम वाटर चाहिए होता है. तो अकॉर्डिंगली हमें सॉइल को इरीगेट करना चाहिए. ओके, टू लिटिल और टू मच वाटर कैन किल दी क्रॉप. अगर हम लिमिट से ज़्यादा वाटर डाल देते हैं या लिमिट से कम वाटर डालते हैं, तो वो क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएगा और हमें अच्छा क्रॉप नहीं मिलेगा. ओके,
नेक्स्ट है आपका एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। आज हम यही लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कल हम कैरी ऑन करेंगे अबाउट द हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। बेटा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, मैन्योर्स जो होते हैं वो तो नेचुरल चीज़ें होती हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बेटा वो केमिकली प्रिपेयर्ड रहते हैं। अब जो प्लांट्स हैं, हमने पढ़ा कि प्लांट्स को बेसिक क्या चीज़ें चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सनलाइट चाहिए। इसके अलावा वाटर को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब समझ रहे हैं ना आप, जैसे नाइट्रोजन वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती है अपना खाना बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से ऐड कर सकते हैं, विद दी हेल्प ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर और मैन्योर का मतलब होता है खाद। बेटा खाद डाला जाता है ना खेतों में, ठीक है, तो उसको हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल, उसको फर्टाइल, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए ऐड किया जाता है। मैन्योर इज मेड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर बेटा कैसे बनता है, एनिमल और प्लांट वेस्ट से। जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है और जो प्लांट पेड़, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं जब वो खराब सड़ने लग जाते हैं तो उसको हम, उसका हम वो बना, मैन्योर बना देते हैं। और बेटा फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दे आर, वो बने होते हैं केमिकल्स से, ठीक है, फ्रॉम केमिकल्स लाइक नाइट्रोजन पोटेशियम वगैरह, ये सारे केमिकल्स से बने होते हैं। ओके, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, कल हम पढ़ेंगे अबाउट द हार्वेस्टिंग टॉपिक। ओके, थैंक यू।